हेलो, मेरा नाम सोनिका है और मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ चैनल गोल्डन मैंगो पर। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मिरेकल्स स्टार्ट हैपनिंग। बिल्कुल ऐसा ही मानना है आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, दीप्ति शर्मा का। दीप्ति शर्मा गो होर्डिंग की को फाउंडर हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बोल्ड और फियरलेस डिसीजन लिए हैं जिनके बारे में आई थिंक सबको जानना चाहिए और उनकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। तो प्लीज वेलकम दीप्ति जी। थैंक यू सोनिका। इंस्पायरिंग वीमन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो आपके बचपन से शुरू करते हैं, अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, आपके परिवार में कौन कौन है, आपकी हॉबीज क्या हैं और बचपन में आपका स्वभाव कैसा था? मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, बचपन बहुत ही सिंपल एंड फुल ऑफ लव, ब्यूटीफुल ड्रीम्स, वैसा मेरा बचपन निकला। और रहा सवाल मेरी फैमिली का, तो हम लोग की चार लोगों की फैमिली है, मम्मी पापा मैं, मेरी एक छोटी बहन। जैसे कि मेरी मम्मी पे हमेशा एक प्रेशर सा रहता था अनसीन कि आपको बेटा कर लेना चाहिए क्योंकि आपकी दो बेटी जो कि बहुत लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं इंडिया। देन मेरी स्कूलिंग एक महर्षि योगी जी का एक स्कूल है हुई, जहाँ पे मैंने मेडिटेशन सीखा। जो हमें बचपन मॉर्निंग क्लासेस में हमें सबसे पहले मेडिटेशन करना सिखाया था। और मुझे कौन सी एज में आपने मेडिटेशन सीखा था दीप्ति जी? मैंने, आप मान सकते हैं कि मैंने सेकंड स्टैंडर्ड से मेडिटेशन करा है। मतलब हमें सेकंड स्टैंडर्ड से मेडिटेशन लोगों को सिखाया है, हम बच्चों को स्कूल में, टिल जब तक हम स्कूल में थे मॉर्निंग में फर्स्ट मेडिटेशन, फिर पढ़ाई होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में पढ़ाई एक वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन उससे भी बड़ा फैक्टर होना चाहिए कि हम क्या सीख कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं उसके अलावा, बिसाइड स्टडीज। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे, देन उसके बाद मैंने स्कूल स्विच किया, इवेंट इंटरनेशनल स्कूल, वहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन के अलावा, कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, आप बड़ी बड़ी बड़े ड्रीम्स करेंगी तो डेफिनेटली आप फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट, आपकी संगति, आपके सर्कल, फिर वो काफ़ी अच्छे और इंस्पायरिंग मिल जाते हैं। तो ये मेरी दो स्कूल जो मेरे फेजेस हैं स्कूल लाइफ के, वहाँ की मेरी जर्नी बहुत ही अमेजिंग। आपका नेचर कैसा था बचपन में, मतलब आप बहुत ही नोटी थी या बहुत ही शांत थी, किस तरह का नेचर था आपका? मेरा नेचर, मैं ना बचपन से ही ना डे ड्रीमर थी। मतलब मैं अगर, जैसे मेरा एक वन बीएचके का फ्लैट में चारों रहते थे, कभी कोई गेस्ट आ जाता था तो जमीन पे भी मैं लेटी हूँ, स्कूटर में घूमते थे। तो ड्रीम करती थी कि मैं कार में बैठी हूँ, बिग हाउस है, मैं वेल सेटल्ड हूँ। मैं ड्रीम करती थी बचपन से, मुझे बहुत मज़ा आता था डे ड्रीमिंग करने में और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर सकती हूँ। मतलब ये वाली एक दिन आप इसको कर अचीव भी कर लोगे। हाँ, मतलब मुझे बहुत, मुझे काफ़ी पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता था। वो मेरी करंट सिचुएशन, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कभी भी नहीं हो सकती है। करंट सिचुएशन आपको सिखाती है, आपको हम्बल बनाती है, ग्राउंडेड रखती है, जो हमेशा लाइफ में आप आगे बढ़ते हो तो आप हमेशा याद रखते हो कि आपके रूट्स क्या थे। तो मेरे रूट्स काफ़ी मज़ेदार और स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहीं से मैंने सीखा कि आप जो सोच सकते हो, जो सपने देख सकते हो, वह पूरे भी कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी ना कि ये आज आपकी करंट सिचुएशन में तो ज़िंदगी भर रहेगी, बट हाँ, कभी भी उस करंट सिचुएशन को क्रिटिसाइज मत करो, नेगेटिव मत बोलो, हमेशा उसमें पॉजिटिविटी ढूंढो कि उसमें बेस्ट क्या हो सकता है। उस टाइम में घर छोटा, रूम सपोज घर छोटा है, लेकिन हम कितने करीब होते थे, मम्मी पापा मैं मेरी बहन, एक हम लोग जो बनता साथ में मिलके खाना,
वो अभी नहीं है, अभी क्या है कि सब अपने अपने बिजी रहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, खाने पीने का कोई होश नहीं है, साथ में कब बैठे कब गए कब आ कि कुछ नहीं पता, तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो हर हर पहलू का वो प्रोज एंड कॉन्स होता है, पॉजिटिव भी होता है उसका, एक नेगेटिव साइड भी होता है, लेकिन पॉजिटिव साइड मैं अप्रोच करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये मैंने अपने बचपन से सीखा कि हमेशा ड्रीम बिग करके इंस्पायर करो कि आप क्या बनना चाहते हो, आप बन सकते हो, और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, वो सब कुछ पॉसिबल है। अगर कोई एक्स वाई जेड पर्सन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फर्स्ट जॉब कहाँ पर थी दीप्ति जी, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओके, मेरी फर्स्ट जॉब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो उसमें क्या होती है इंटर्नशिप होती है, सीए की इंटर्नशिप होती है 3 इयर्स। तो मैंने एक छोटी सी सीए फर्म ज्वाइन की, मेरा स्टाइपेंड था 2000 रुपीज। मुझे याद है अभी भी कि मैं अपने घर से पैसे बचाने के लिए वॉक करते हुए, फिर वहाँ से जाना, फिर वापस मेट्रो से आना, मतलब वॉकिंग, मतलब मैं रिक्शा नहीं करती, मैं कैसे उसको, तो ये वाला मेरा एक्सपीरियंस था। हालांकि मैंने इसे 1 मंथ या 1.5 मंथ, उसके बाद मुझे मैंने पावर ऑफ पॉजिटिविटी अप्लाई किया। एक हुआ कि जब मैं उस ऑफिस में बैठी, मेरे कलीग्स थे, मैं बिल्कुल फ्रेशर थी, बिल्कुल फ्रेशर, तो मेरे कलीग्स मुझे बोलते कि ये इंडिया की टॉप 4 कंपनीज हैं। उन्होंने एक पेपर पे ना उन 4 कंपनीज का नाम लिख लिया, तो उन्होंने सबसे टॉप पे लिखा अर्नस्ट एंड यंग ENY, सेकेंड पे लिखा KPMG, थर्ड पे लिखा PwC, एंड फोर्थ पे लिखा डिलॉयट। एंड वो पेपर मेरे सामने था, हम लोग ऐसे लंच कर रहे थे साथ में बैठे हुए, वो मैं 2000 वाली न्यू इंटर्न थी, तो मैं बस ऑल ऑफ अ सडन, मेरे सीनियर्स थे वो लोग, ये है इंडिया की टॉप 4 कंपनी, और उसको वर्ल्ड की भी बोल सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी थी इन टर्म्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो बिल्कुल आर्टिकलशिप थी। तो मैंने क्या किया, ऑल ऑफ अ सडन मैं ऐसे बैठी हुई, मैंने एक पेन उठाया, मैंने अर्नस्ट एंड यंग को सर्कल जोड़ दिया, फर्स्ट अर्नस्ट एंड यंग सर्कल, जस्ट मैंने एक सर्कल जोड़ा, एंड मैंने उनको बोला कि एक दिन मैं यहाँ पे जॉब करूँगी, एंड यू आपको कब आपकी बात सच हो जाती है, क्या चीज़ें हो जाती है आपकी लाइफ, ये इंसिडेंट्स में मैंने फर्स्ट टाइम मैं शेयर कर रही हूँ एंड आपके लाइफ को कर रही हूँ। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि उस दिन जिस दिन मैंने ये सर्कल किया उस पेपर को, मैं अपने घर जा रही थी वैसे ही पसीने में पूरा, यहाँ से ऊपर से नीचे तक पसीना, मेट्रो में सफ़र करते हुए, वॉक करते हुए अपने घर जा रही थी, देन मैं अपने अपार्टमेंट तो गेट, मेन गेट से जब मैं वॉक कर रही थी, मुझे एक अंकल मिले, वो बहुत 65 ईयर्स ओल्ड बूढ़े से अंकल स्टिक लेके चल रहे हैं, एंड मैं उनको बस पास में, हम लोग की गुड मॉर्निंग होती थी कि हेलो अंकल गुड मॉर्निंग, बिकॉज मुझे मॉर्निंग वॉक कर, यू वो लीव था। जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला आप कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला मैं सी ट्रेनिंग करके आ रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप ENY में जॉब करेंगी, क्या आप अर्नस्ट एंड यंग में जॉब करना चाहेंगी, मैंने बोला कि फर्स्टली मुझे बिलीव नहीं हुआ कि इज़ इट पॉसिबल, और वो भी इतना फास्ट, तो मैंने उनको बोला यस आई विल डेफिनेटली, देन ही आस्क फॉर माई CV, मैंने राइट अभी उनको अपना CV मेल किया, मुझे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सर्कल करने के बाद, वो ENY का नाम अंकल से मिलने के बाद, नेक्स्ट डे मुझे ENY से इंटरव्यू की कॉल आई, एंड देन आई गॉट द जॉब एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ ENY आफ्टर 1 मंथ। ये तो काफी इंटरेस्टिंग मोमेंट था। दिस इज इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा मतलब लाइफ में कभी भी कुछ भी टर्न आउट हो सकता है, मतलब मैंने आपको वही चीज बोली ना कि एक 10x10 के रूम से आप निकल के एक बड़े उसमें भी जा सकते हो, स्कूटर चलाते चलाते आप गाड़ी तक भी पहुंच सकते हो, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते हैं आपको नेक्स्ट डे ENY में जॉब मिल जाएगी, तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है।
बस आपको फेथ रखना होता है अपने ड्रीम्स पे, अपनी चीजों पे। और एक होता है ना कि बिलीफ, पागलपन, वो जरूरी है। अगर आप मान लोगे ना कि मैं तो सिर्फ यही डिजर्व करती हूँ, या मुझे तो गिव अप कर देना चाहिए लाइफ में, मतलब मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, आपको मिलेगा भी नहीं, मतलब लोग जो हम बोलेंगे में कि से ज्यादातर वुमेन करते हैं। मतलब अगर उनको बस इतना जानना है कि वो बहुत ज्यादा केपेबल है, क्योंकि जो वुमेन घर संभाल सकती है वो सब कुछ कर सकती है, ये मैं बिलीव मेरा भी यही मानना है। ओके दीप्ति जी, आपने गो होर्डिंग से पहले एक और बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें आपको काफी बड़ा लॉस हुआ था, तो क्या आप उसको शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ? हाँ जी। तो जब मैंने ENY ज्वाइन किया, तो ENY जब मैंने लेफ्ट किया, जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे CA अब नहीं करना, बट ये नहीं था कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बहुत एक्सपीरियंस। ENY में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। देन उसके बाद जब मैंने अपना फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट किया, इवेंट कंपनी का, एक काफ़ी बड़ा मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सेलिब्रिटीज, टिकेट एंड स्पॉन्सर्स थे। उस इवेंट में मेरा टिकट सोल्ड आउट नहीं हुआ, मुझे स्पॉन्सर्स नहीं मिले, मेरे पास पे करने के लिए फंड्स नहीं थे सेलिब्रिटीज को, और वो वाली सिचुएशन, मतलब ऐसा सिचुएशन शायद मैंने कभी इससे वर्स सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं देखा, वो मेरा मेरे फर्स्ट टाइम। गूज बम्प कर रहे हैं अभी आपकी बातें सुन के। हाँ जी मैम। तो न्यूयॉर्क का टाइम था, 31 दिसंबर 2014 डे था। सेलिब्रिटी स्टेज पे नहीं चढ़ रहे थे क्योंकि उनको फंड्स नहीं मिले, और ऑडिटोरियम लगभग खाली सा था, मीट और ऐसा सिचुएशन था कि एटलीस्ट जितने लोग आए हैं मुझे उनको उस इवेंट को केटर करना है। तो मेरे लिए एक इवेंट था, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट था मेरे में। तो मेरे पापा के आई, तो वो ऐसा किया था ताकि मुझे इमिडिएटली फंड्स मिल जाए और मैं वहाँ पे वो इवेंट को केटर कर पाऊँ। और आप समझिए कि कोई घर इमिडिएटली अपना सेल आउट करते हैं तो कितने लॉस में करता होगा, क्या क्या वो नेगोशिएशन कर पाता होगा, क्या वो रेट ले पाता होगा, बिल्कुल नहीं है। और वो पूरी जिंदगी की कमाई जो एक सेकेंड में बच्चे की गलती से निकल जाती है, तो मेरा वो सिचुएशन था, मेरा वो लॉस हुआ न्यूयर इवेंट में। बट वो फंड्स दिए, इवेंट करवाया, उसके बाद इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इवेंट अटेंड कर पाऊँ, बस मेरा था कि बस इवेंट हो जाए, स्टार्ट हो जाए, मैं वहाँ से चलूँ। और ऐसा था कि मतलब इतनी दूर तक आए, वापस मुड़ने के लिए ये वाला मोमेंट था। मैं चाहती तो मैं इवेंट नहीं करवाती, मैं चाहती तो मैं अपने चुपचाप अपने घर जाती और जिसको जो करने को करे वाला एटीट्यूड रख सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं आज या वो अगर मैं रन आउट करती हूँ या फिर भागती हूँ तो मैं लाइफ से ही स्टार्ट नहीं ले पाऊंगा। वो सिचुएशन बहुत वर्स्ट सिचुएशन था मेरी लाइफ का। उसके बाद मैं घर गई, पे जाके किन्ना हो जाता है इंसान, कुछ नहीं करना। अच्छा, आपको, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको अमाउंट बताना चाहेंगी कि कितना बड़ा लॉस आपको हुआ था, ताकि व्यूवर्स ये अंदाजा लगा सके कि इतनी बड़ी सिचुएशन के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। मुझे 40 लाख का लॉस हुआ। 40 लाख, इट्स अ बिग नंबर। जी मैम, तो वो मैंने लाइफ में कभी इतना बड़ा अमाउंट मैंने खुद भी नहीं देखा, इतना बड़ा मुझे लॉस हुआ। मैंने काफ़ी बड़ा रिस्क लिया उस टाइम, और वो रिस्क मेरे फेवर में नहीं रहा। वो लॉस था, मेरे पेरेंट्स को वो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए घर भी बेचना। उसके बाद जब मैं घर गई इवेंट के लॉस के बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बिल्कुल माइंड में प्रेशर रहता है कि मेरी वजह से मेरे घर को ये कर, माइंड में मेंटल टॉर्चर रहता है। प्लस आपको लगता है कि यार रिलेटिव्स क्या सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे। लेकिन उसके बाद मैं एक ना नम फेज में चली गई। मैं एक अपने रूम में, एक होता है ना कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। लेकिन उस टाइम जब होता है ना कि जब आप बाहर नहीं जा सकते, देन यू गो इनसाइड यू, यू गो इनसाइड यू, यू नो डीप अबाउट यू। आपको अपनी खुद की नॉलेज होती है, आप खुद के वैल्यूज और खुद की सिचुएशन को और ज़्यादा समझ पाते हो।
मैं अपने आप को और ज़्यादा जानने लगी। मैंने अपने आप को चैलेंज किया, मैंने बोला कि मैं इससे, मेरी लाइफ में इससे वर्स्ट तो कुछ नहीं हो सकता है। मेरी लाइफ के जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, जो मैंने गिव अप करा, भागी, किए छोड़ा, फिर उसके बाद ये हो गया, लेकिन अब इससे वर्स्ट तो कुछ हो नहीं सकता। अपने सिचुएशन में जीरो पे तो हुई, नेगेटिव पे हुई, अब इससे नीचे क्या जाऊंगी? तो एक बार दोबारा ट्राई करती, वो मेरे एटीट्यूड माइंड में एक होता ना कि एक बिलीफ आया कि दोबारा ट्राई कर, हो सकता है कि इस चीज़ को जीरो से 100 तक लेके जाऊं, 90 तक लेके जाऊं, 80 तक लेके जाऊं, लेकिन जीरो से तो आगे बढ़ूंगी और दोबारा वापस उस गली नहीं जाऊंगी जो छोड़ के आई हूँ। वो तो अब करना नहीं है, वो अब नहीं करना है, क्योंकि वो जो गली छोड़ दी वो अब नहीं जाना वहाँ। लेकिन अभी जिस चीज़ के लिए मैंने डिसाइड किया, जिस चीज़ के लिए मैंने फाइट किया, गिव अप सारी चीज़ों को छोड़ा, मुझे उसके लिए स्टैंड जरूर लेना है। क्योंकि अगर मैं अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट नहीं करूँ तो मेरे ड्रीम्स को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं, तब उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने वाले के ड्रीम को इसको कंफ्यूज कर दो, इसको डीमोटिवेट कर दो, इसको इसको ये बता दो कि ये नहीं पॉसिबल है। बट मैंने, मुझे ऐसा लगा कि द ओनली पर्सन कैन प्रोटेक्ट योर ड्रीम इज योर सेल्फ। तो मैंने ठान लिया कि अब मैं वापस उठूंगी और दोबारा ट्राई करूंगी, जो होगा देखा जाएगा। अब किसी में हिम्मत है ना, मेरे सामने आ जा, अब मैं बड़े से बड़े बंदे से भी बात करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस चाहिए। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। दिस वाज माय एटीट्यूड एंड ग्रेजुअली जस्ट इवेंट, मतलब ये जब मैंने वापस से बाउंस बैक किया, आई गॉट मैरिड, फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड ने कंपनी फॉर्म की, वहां से गो होल्डिंग की शुरुआत। तो ये जर्नी, ये मतलब इतना बड़ा लॉस होने के बाद ये जो इतना पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने आप को, मैं बोलूंगी कि अपने आप को समेट कर इकट्ठा करके वो हिम्मत लाना, वो बहुत मुश्किल है। हम लोग कहीं ना कहीं जब कोई ऐसा मोमेंट हमारी लाइफ में आता है, इवन छोटे छोटे से चैलेंजेस पे हम लोग बिखर जाते हैं। तो ये आपने आज हमें बताया है कि कितना भी बड़ा लॉस हो जाए आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आप फिर से कोशिश करते रहिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर घटित होगा जो आपके लिए बनाया। तो चलिए गो होल्डिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो गो होल्डिंग्स बेसिकली सिर्फ एक होल्डिंग्स कंपनी नहीं है, वो एक ट्रस्ट है जो लोग प्लेस कर सकते हैं। मतलब जस्ट कि हम लोगों के लिए होल्डिंग नहीं लगाते, हम एक विश्वास हैं जिसके जिसपे लोग बिलीव करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ड्रीम्स मीन्स अपने कंपनी को ब्रांड बनाना, उसको एक राइट कंपनी के थ्रू रूट करना। तो हमने वो नींव रखी, हमने सोचा कि जस्ट हमें एक एग्जीक्यूशन या कुछ क्रिएटिव, ये हमारा काम नहीं है। हमें लोगों की विजन्स को इम्प्लीमेंट करते हुए एक ट्रस्ट को, एक नींव को लेके जाना है। क्योंकि मैंने देखा इस इंडस्ट्री में जब हमने स्टार्ट किया था, बहुत सारी इंटरमीडिएट, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपके मतलब आपको कैसे आया कि मतलब हमें मीडिया फील्ड में जाना है, हमें गो होल्डिंग जैसी कंपनी को फॉर्म करना है? तो ऐसा हुआ था कि जब ट्रैवल करते तो मैंने होर्डिंग्स, मैंने देखा यहाँ पे होर्डिंग्स लगी हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट भी लगा हुआ था किसी का, लेकिन हम कैसे इस यहाँ पहुँच, और कई की होर्डिंग्स थी जो ब्लैंक भी थी, कोई एडवर्टीजमेंट। तो एक नॉर्मल कस्टमर वो कैसे इस चीज़ को बुक कर सकते हैं अगर उसे अपनी कंपनी के लिए या इंडिविजुअल के लिए चाहिए होगी? क्योंकि आजकल लोग बर्थडे और ओकेजंस पे भी होर्डिंग लगा देते हैं, सरप्राइज लगाते हैं, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि एक सिंपल पर्सन के लिए इतनी सारी लोगों से बात करना, बड़ी बड़ी कंपनियों को अप्रोच करना और लाइनों में खड़े रहना, और फिर भी ट्रस्ट प्रॉब्लम, पेमेंट प्रॉब्लम, इंटरमीडिएट थी उस इंडस्ट्री में। मैंने चेक किए कि एक होर्डिंग की अगर 1 लाख पर मंथ कॉस्ट है तो दूसरा उसको 2 लाख में सेल कर रहे हैं, देन अनदर पर्सन इज सेलिंग इट 3 लाख। तो मुझे लगा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी बहुत प्रॉब्लम,
ये वाली कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं है कि मतलब एक होर्डिंग्स का फिक्स रेट क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो इस चीज के लिए हमने शुरुआत की गो होर्डिंग्स की, और हमें लगा कि कस्टमर को जितना हद तक सेटिस्फाई कर सकते अपनी कंपनी के थ्रू, वो हम थ्रू ट्रांसपेरेंसी, थ्रू फास्ट सर्विसेज। ओके, तो जैसे हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपने गो होर्डिंग की स्टार्टिंग किया, तो उसके लिए अपने फंड्स कैसे अरेंज किए इतने बड़े लॉस के बाद? और जो फर्स्ट फेज होता है किसी भी कंपनी का, फर्स्ट ईयर जो होता है, तो उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया? हम लोगों ने इसमें टोटल, मैंने उसके बाद हमने वेबसाइट, एक ऑनलाइन प्रेजेंस मिली थी। सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हुई थी, आप एक बार दोबारा बताएंगे कि कितना आपने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में? हमने स्टार्टिंग में इसमें 50,000 rupees इन्वेस्ट किया। 50,000। देन उसके बाद हमें ये कंफर्म हो गया था कि अब डिजिटल वर्ल्ड आने वाला है, सबको डिजिटल ही हो रहा है, तो हमने इस चीज की, इसकी जो वेबसाइट है, इसकी जो डिजिटल नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग करा, जो विकास देखते हैं, जो हस्बैंड देखते हैं, और वहाँ से हम लोगों को क्लाइंट्स मिले। हमें कोई मीटिंग में नहीं कभी जाना पड़ा, क्योंकि सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन आके वहीं से हमें कंफर्मेशन करते हैं और सारी चीज़ें फाइनल करते हैं। तो हमारे बहुत पैसे हमारे सेव हुए कि मीटिंग जाना, करने जाना, ट्रैवल करना, टाइम वेस्ट होना, वो सब हमारा डिजिटल जो ऑनलाइन वर्जन है उसने हमारा बहुत सारी चीज़ें सेव की। और इस तरीके से हमारा कॉस्ट इफेक्टिव वे में हमें क्लाइंट्स मिलते गए, हमें एडवांस पेमेंट मिलती गई, हम एग्जीक्यूशन करते गए, तो इस तरीके से हमारा 50,000 rupees से वो जर्नी उससे बेहतर। मीडिया इंडस्ट्री एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, हम सभी जानते हैं, तो एज ए वुमेन आपको क्या चैलेंजेस आए इसमें? कुछ ऐसा लगता है कि मीडिया को लगता है कि हम वुमेन से बात नहीं करेंगे, या फिर हम किसी मेल से बात करेंगे, तो ऐसे केस में आपको अपनी वॉइस उठानी होगी, आपको उनको बताना होगा कि हु यू आर और वो क्यों आपके साथ काम करें। तो वो आपको अगर डीमोटिवेट, आपको यू कैन से आपको नीचा तो पूरी दुनिया ही दिखाएगी, लेकिन आपको अपने आप को उठाना है। तो बिजनेस में भी आपको ये सब फेस करना पड़ता है जो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में अपने आसपास फेस करते हैं। बिल्कुल करते हैं, तो ये तो बचपन से मैं देख रही थी चीज़ें जो माहौल समाज में हो रहा था, तो मैं ये बिजनेस कोई नई चीज़ नहीं थी। जब आप अपनी आवाज़ उठाते हो, जब आप दिखाते हो कि आप कौन हो, तो सामने वाले भी वैल्यू करते हैं, सामने वाले रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप भी अपने आप को वीक समझोगे, अगर आप भी अपने आप को समझोगे कि आप कि आपकी बात क्यों सुनेगा कोई, या फिर आपको क्यों इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो आपको नहीं देंगे इम्पोर्टेंस। तो आपको पहले अपनी वैल्यू करनी है, और आपको उस चीज़ को प्रूव करना है कि आप डिजर्व करते हो, यू आर टोटली केपेबल कि आप इस इंडस्ट्री को रूल कर सकते। जी, आज गो होर्डिंग इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड कर रही है, नेशनल लेवल पर उसको सभी जानते हैं। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा होगा जो मार्केटिंग की इस कंपनी का नाम नहीं जानता होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, शुरुआत कैसे हुई? इंटरनेशनल मार्केट में हमने सबसे पहले जो अपने कंपनी रजिस्टर की, तो वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट, जो इंडिया का वे ऑफ वर्किंग था ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ के जो मीडिया ओनर्स हैं, और जो वहाँ की एजेंसीज हैं, और जो कस्टमर का प्रोस्पेक्ट्स है, वो प्राइस से ज़्यादा वो ट्रस्ट एंड क्वालिटी पे जाता है। इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, लेकिन बाहर एक होता है कि क्वालिटी एंड ट्रस्ट। एंड वहाँ के मीडिया ओनर्स ने सपोर्ट करा, एजेंसीज ऑल्सो दे सपोर्टेड, देन वी ग्रेजुएट। अभी गो होल्डिंग्स का टर्नओवर कितना आप है, मतलब आप उसको शेयर करना चाहेंगी मैम? कि अभी गो होल्डिंग्स, आपको मैंने टेड टॉक्स पे भी देखा है, तब 50 करोड़ था, तो अभी कितना उसमें मतलब इजाफा हुआ है?
मैम कोविड के टाइम में एक टर्नओवर फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन ये तो हम सभी सफर कर रहे हैं लेकिन हमने 5 मिलियन मेंटेन करके ईयर 5 मिलियन की कंपनी की को फाउंडर आज हमारे साथ हैं, तो दीप्ति शर्मा जी कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और मतलब मैं आपकी लाइफ से इतनी इंस्पायर्ड हूँ, आई होप बाकी सारे विमेंस भी होंगे और आपकी तरह एक बोल्ड डिसीजन लेंगे और अपनी लाइफ को फियरलेसली जिएंगे, एक जर्नी एक ऐसी लाइफ बनाएंगे जिसको हम जिए ना कि जिसको हम काट रहे हैं, लाइक कि किसी के टर्म्स और कंडीशन पे ना जिए, अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप ले दीप्ति शर्मा की तरह। और तो आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी बहुत ही हिम्मत मुझे आपसे मिली है, आई होप आगे भी हम आपसे बात करने का मौका आप हमें देंगी, और थैंक यू दीप्ति जी कि आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला हमारे लिए और आप इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज का पार्ट बनी। सबसे बड़ा थैंक यू तो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग है जिससे सच में बहुत सारी वीमेन इंस्पायर होंगी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दीप्ति जी थैंक यू सोनिका।